बच्चों नमस्कार, मैं श्रीमती रागिनी अवस्थी, सहायक कार्यक्रम समन्वयक समग्र शिक्षा रायपुर। बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं विषय हिंदी पाठ 21 सिखावन ये हम लोग आज पढ़ेंगे। बच्चों, ये छत्तीसगढ़ी पाठ है, छत्तीसगढ़ी दोहा इसमें है और छत्तीसगढ़ी दोहे के माध्यम से हम आज बहुत सारी चीज़ सीखने वाले हैं। तो आइए चलते हैं पाठ की ओर। पाठ का शीर्षक है सिखावन। सिखावन माने सीखे के बात या शिक्षा। ये पाठ माँ संकलित नौ ठन दोहा माँ नौ ठन शिक्षा दे हवय। बच्चों, इस पाठ में नौ दोहा है और इस नौ दोहे के माध्यम से नौ शिक्षा हमको मिलेगी। पहली के सियान मन अपन जिंदगी के अनुभव अपन पाछू के पीढ़ी ला सौंप देवय। इही किसम ले ज्ञान के भंडार हा भरत रहे। इही अनुभव और ज्ञान के बाद सिखावन कहे जाए। तो आओ बच्चों, हमन देखथन ये पाठ में काका सीख के बाद बताएगी है। तो देखथन हम पहली दोहा। का होगे के रात है, घपटे है अंधियार, आशा और विश्वास के चलते दिया बार। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं शब्दार्थ। का होगे, का होगे का मतलब का होता है, क्या हो गया। आशा यानि आशा। सिखावन, सिखावन शिक्षाप्रद सीख। घपटे, घपटे कहते हैं सघनता के साथ छा जाना। बार, बार यानि जलाना। आइए देखते हैं इसका अर्थ। तो आइए देखते हैं इसका अर्थ। का होगे के रात है, घपटे है अंधियार। बुजुर्गों ने कहा है कि का हो गया, क्या हो गया, अगर जिंदगी में रात्रि है, अंधेरा छाया हुआ है, उससे डरना हमको नहीं चाहिए, बल्कि आशा और विश्वास के मन में क्या रखना चाहिए, आशा रखनी चाहिए और विश्वास होना चाहिए मन में। चलते दिया बार अर्थात आशा और विश्वास रूपी दीपक को जला करके रखना चाहिए। तो हमारे जीवन का जो अंधियारा है या जीवन की जो कालिमा है, जो प्रगति के पथ पे बाधक चीज जो है, वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अर्थात जिंदगी में अगर बच्चों मुसीबत आ रहा है, तो मुसीबत के समय हमको क्या करना चाहिए, आशा और विश्वास रूपी दीपक को जला करके रखना चाहिए। तो बच्चों, हम जीवन में आशा और विश्वास के साथ हमको जीवन जीनी चाहिए, ताकि हम जीवन में आने वाली मुसीबतों का हम क्या कर सके, सामना कर सके और प्रगति के पथ पर हम अग्रसर हो सके। आगे का दोहा है, एके अवगुण सौ गुण ला, मिल्खी मारत खाए, गुरतुर गुण वाला सुआ, लोभ करे फंद जाए। तो बच्चों, पहले देख लेते हैं हम शब्दार्थ। अवगुण, अवगुण यानी होता है बुराई। सुआ, सुआ कहते हैं तोता को, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, और मिट्ठू। गुण, गुण यानि अच्छाई। फंद, फंद यानि होता है फंसना। मिल्खी मारत, मिल्खी मारत का मतलब होता है पलक झपकते ही। और गुरतुर, गुरतुर यानि होता है मीठा। तो देखते हैं इस दोहे में हमको क्या शिक्षा दी गई है। देखो बच्चों, इस दोहे के माध्यम से बुजुर्गों ने कहा है कि एके अवगुण सौ गुण ला, मिल्खी मारत खाए। अगर मनुष्य में सौ गुण हैं, लेकिन अगर उसमें एक अवगुण आ जाता है, तो उसका अवगुण जो है वो पूरे गुण को क्या करता है, समाप्त कर देता है। पलक झपकते ही उसके गुण क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो इस बात को पुष्ट करने के लिए जो कवि है वो नीचे लाइन में एक उदाहरण दे रहे हैं कि गुरतुर गुण वाला सुआ तोता, मीठी वाणी बोलने वाला जो तोता है, वो भी लोभ के कारण खाने का अच्छा लोभ दिखाता है, कौन, बहेलिया, और उसको क्या करता है, फंसा लेता है। तो तोता भी अच्छे खाने के लालच में वो जाल में फंस जाता है। अर्थात इस दोहे से हमको सीख मिलती है कि मनुष्य को बुराई और लालच से बचकर रहना चाहिए, वरना जीवन में इसके परिणाम सबको, जो बुराई और लालच करता है उसको परिणाम भुगतना पड़ता है। आगे देखते हैं, मीठ लबारी बोल के लबरा पाए मान, पन सतवंता सत्वर हासत तजे परान। तो बच्चों, पहले हम देख लेते हैं शब्दार्थ। लबारी, लबारी यानी होता है झूठ। तजे, तजे यानी छोड़ना। लबरा, लबरा कहते हैं झूठा को। मान, मान यानी सम्मान। सत्वंता, सत्वंता कहते हैं सत्यवादी को। तो आइए अब देखते हैं इसका भावार्थ। देखो बच्चों,
इस दोहे के माध्यम से हमको ये सीख मिलती है कि मीठ लबारी बोल के लबरा पाए मान, जो झूठा व्यक्ति है वो झूठ बोल करके, झूठा मीठा मीठा झूठ बोल करके वो मान पा लेता है। लेकिन पन सतवंता सत्यवर हासत तजे परान, लेकिन इस दुनिया में जो सत्यवादी मनुष्य है वो सत्य के लिए अपने हंसते हंसते अपने प्राण तक को क्या करता है, वो त्याग देता है। अर्थात इस दोहे से हमको सीख मिलती है कि सच्चा व्यक्ति जो है वो झूठे मान सम्मान के लिए कभी भी झूठ नहीं बोलता है, और हम सबको भी कभी भी झूठ नहीं बोलनी चाहिए। चलिए अगले दोहे की ओर चलते हैं। घाम छाँव के खेल तो होवत रही थी रोज, एकर संसो छोड़ के रद्दा नावा तय खोज। तो देखते हैं पहले शब्दार्थ। घाम, घाम यानी होता है धूप, संसो, संसो यानी होता है चिंता, रद्दा, रद्दा यानी रास्ता, नावा, नावा यानी होता है नया। तो देखते हैं इसमें क्या सीख मिल रही है इस दोहे से हमको। तो देखते हैं इसका भावार्थ। घाम छाँव के खेल तो होवत रही थे रोज, इसमें कवि कह रहे हैं कि जीवन में धूप और छाँव का खेल तो रोज ही क्या होता है, चलते रहता है। सुख और दुख तो जीवन में आते ही रहते हैं, लेकिन एकर संसो छोड़ के हमको जीवन में घाम और छाए की चिंता नहीं करनी चाहिए। रद्दत नावा तय खोज, अर्थात हमको नित नए रास्ते का, प्रगति के पथ पर नए रास्ते का निर्माण, हमको प्रगति के पथ पर जाने के लिए नए रास्ते की खोज हमको करनी चाहिए और उस रास्ते पर हमको चलनी चाहिए। अर्थात इस दोहे से सीख मिलती है कि बच्चों हमको फालतू बातें, व्यर्थ बातों को अपने जीवन से त्याग देना चाहिए, और अपना जो लक्ष्य है, हमारा मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है, हमारे जीवन का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य की प्राप्ति की ओर हमको क्या करना चाहिए, हमेशा अग्रसर होना चाहिए। आगे का दोहा पढ़ते हैं। लाखन लाखन रंग के फूलथे फूल मितान, महर महर जे नहीं करे फूल अबिरथा जान। तो बच्चों इसका शब्दार्थ देख लेते हैं। लाखन लाखन, लाखन लाखन कहते हैं लाखों लाख, मितान, मितान कहते हैं अपने मित्र को, महर महर, महर महर यानी खुशबू से महकना, अबिरथा, अबिरथा यानी होता है बेकार। तो देखते हैं इस दोहे से हमको क्या सीख मिलती है। देखो इस दोहे के माध्यम से बुजुर्गों ने कहा है कि लाखन लाखन रंग के फूलथे फूल मितान, अर्थात इस दुनिया में लाखों लाखों रंग के फूल जो हैं वो क्या होते हैं, खिलते हैं, बहुत सारे फूल खिलते हैं, लेकिन महर महर जे नहीं करे फूल अबिरथा जान। अर्थात फूल की विशेषता क्या है बच्चों, कि फूल दो है जो है हमको क्या देता है, सुगंध देता है, लेकिन ऐसा फूल कि जिसमें कोई सुगंध ना हो, कोई खुशबू ना हो, तो वो फूल कैसा है, व्यर्थ है। अर्थात इस दोहे से हमको सीख मिलती है कि ऐसा फूल जिसमें कोई सुगंध नहीं है, उसको कोई भी पसंद नहीं करता। ठीक उसी प्रकार से हम इस संसार में आए हैं, तो हम भी इस संसार में रह करके फूल के समान अपनी अच्छाई रूपी जो गुण हैं उसको हम क्या करें, संसार में फैलाएं, और बुराई का हम क्या करें, त्याग करें। इस संसार में आए हैं तो हम जरूर फूल के समान कुछ अच्छा काम करें, ताकि हमारा नाम भी हो। आगे का दोहा देखते हैं। सबला दे थे फूल फर, सबला दे थे छाँव, ऐसन दानी पेड़ के परो निहर के पाँव। तो बच्चों देखते हैं इसका शब्दार्थ। फर, फर यानी होता है फल, निहर के, निहर के यानी होता है झुककर, पाँव, पाँव यानी होता है पैर। तो आइए इस दोहे का भावार्थ देखते हैं कि इस दोहे के माध्यम से हमको कौन सी सीख मिल रही है। इस दोहे के माध्यम से हमको सीख मिलती है कि सबला दे थे फूल फर, सबला दे थे छाँव, ऐसन दानी पेड़ के परो निहर के पाँव। अर्थात जो पेड़ है बच्चों, पेड़ जो है वो क्या देता है, सबको, सब मनुष्य को वो क्या देता है, अपना फूल देता है और अपना फल भी देता है। हमको जीने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो ये ऑक्सीजन हमको कहाँ से मिलता है, पेड़ से ही मिलता है। और उसके साथ साथ जीवन में बहुत, जैसे धूप है, धूप से बचने के लिए हमको छाया भी कौन प्रदान करता है, पेड़ से ही हमको छाया मिलती है। तो ठीक इसलिए कवि जो है कह रहे हैं इस दोहे के माध्यम से कि जो पेड़ जो है वो कैसा है, दानी है,
और ऐसन दानी पेड़ के परो निहार के पाँव, क्योंकि जो पेड़ है वो दानी है, हमको बहुत सारी चीज़ें पेड़ से मिलती हैं, तो ऐसे दानी जो पेड़ है उसका हमको क्या करना चाहिए, झुक करके हमको दंडवत प्रणाम करना चाहिए। ठीक उसी प्रकार इस संसार में जो दानी लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, ऐसे मनुष्य के साथ हमको बहुत अच्छे से व्यवहार करके रहना चाहिए। आगे का दोहा है, तय किताब के संग बद गंगा बारू मीत एकरे बलमा दुनिया ला पक्का ले बे जीत। तो देखते हैं शब्दार्थ। मीत, मीत का मतलब होता है मित्र, और पक्का, पक्का यानी होता है निश्चित। तो इस दोहे का देखते हैं हम अब भावार्थ। देखिए इस दोहे में, तय किताब के संग बद गंगा बारू मीत, बुजुर्गों ने कहा है कि देखो, तय किताब के संग बद गंगा बारू मीत, हमारे छत्तीसगढ़ में बच्चों गंगा बारू या भोजली या मितानी बदने की परंपरा है, अर्थात क्या है, मित्रता निभाने की परंपरा है। तो इसमें इस दोहे के माध्यम से कह रहे हैं कि तुम किताब के संग क्या करो, गंगा बारू बदलो, मीत बदलो, अर्थात किताब को अपना मित्र तुम बना लो। एकरे बल मा दुनिया ला पक्का ले बे जीत, और किताब की बदौलत, क्योंकि किताबों में क्या रहता है, ज्ञान छुपा रहता है, और ज्ञान की बदौलत ही हम पूरी दुनिया को क्या कर सकते हैं, जीत सकते हैं। इसलिए किताब के साथ हमको क्या करनी चाहिए, मित्रता करनी चाहिए। और खाली समय में जैसे हम लोग बैठे हैं तो हमको क्या करनी चाहिए, किताब पढ़नी चाहिए, किताब के प्रति हमको प्रेम होना चाहिए। तो इसकी बदौलत हम क्या करेंगे, किताब की बदौलत पूरी दुनिया में हम जीत हासिल कर सकते हैं, अर्थात ज्ञान से हम पूरी दुनिया में जीत हासिल कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगला दोहा। ठाढ़े ठाढ़े नहीं मिले ठिहा ठिकाना सार, समुद्र को त नदिया चले दौड़त पल्ला मार। तो देखते हैं इसका शब्दार्थ। ठाढ़े ठाढ़े, ठाढ़े ठाढ़े कहते हैं खड़े खड़े, ठिहा ठिकाना, ठिया ठिकाना का मतलब होता है मंजिल या गंतव्य, कोत, कोत कहते हैं, और पल्ला मारना, पल्ला मारना अर्थात तेज गति से। तो आइए देखते हैं कि इस दोहे में क्या छुपा है, कौन सा ज्ञान छुपा हुआ है, कौन सा सिखावन छुपा हुआ है। तो देखिए, ठाढ़े ठाढ़े नहीं मिले ठिया ठिकाना सार, बुजुर्गों ने कहा है कि खड़े खड़े, हाथ पर हाथ धरे खड़े रहने से व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। जिस प्रकार से नदिया जो है, नदिया का लक्ष्य क्या है, समुद्र में मिल जाना, तो नदी को भी समुद्र में मिलने के लिए नदी जो है वो दौड़ती हुई या वेग से बहती हुई समुद्र की ओर जाती है, और समुद्र में वो विलीन हो जाती है, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेती है। ठीक उसी प्रकार से हमको भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, अर्थात हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से हमको सफलता नहीं मिलेगी जीवन में। अगर हमको जीवन में सफल होना है, प्रगति करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। आखिरी दोहा देखते हैं, नौवां दोहा। हे उछाह मन मा कहूँ पाए बर कुछ ज्ञान, का मन खे चाटी घलो पाही गुरु के मान। तो बच्चों पहले देख लेते हैं हम शब्दार्थ। उछाह, उछाह यानी उत्साह। चाटी, चाटी किसको कहते हैं, चीटी को। घलो, घलो यानी होता है भी। मान, मान यानी होता है आदर या सम्मान। तो आइए इसका देखते हैं हम अर्थ। इस दोहे में ये बताया गया है कि हे उछाह मन में कहूँ, उछाह यानी उत्साह, है ना, पाए बर कुछ ज्ञान, अर्थात अगर हमको ज्ञान प्राप्त करनी है तो हमारे मन में क्या होना चाहिए, सबसे पहले उत्साह होनी चाहिए, क्योंकि जो निरुत्साही है वो कुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। लेकिन इस दुनिया में अगर हमको ज्ञान प्राप्त करना है तो सबसे पहले मन में क्या होना चाहिए, उत्साह का होना बहुत जरूरी है। का मन खे चाटी घलो पाही गुरु के मान, और इस संसार में का मन खे अर्थात, तो मनुष्य क्या चींटी भी अथक प्रयास से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकती है और कर लेती है, अर्थात परिश्रमी व्यक्ति ही गुरु का मान प्राप्त, गुरु से मान प्राप्त करता है और आदर भी प्राप्त करता है। आप लोगों ने देखा है ना चींटी को चलते, कि चींटी, छोटी सी चींटी भी कैसे इतने शक्कर तक को लुढ़का लुढ़का करके वो जहां पर उसको ले जाना है अपने बिल के पास, वहां तक वो ले जा लेती है, है ना। तो ठीक उसी प्रकार से जो परिश्रमी व्यक्ति है इस दुनिया में, वही जो है वो क्या प्राप्त कर सकता है, अपने लक्ष्य को परिश्रम के द्वारा वो प्राप्त कर सकता है।
तो बच्चों इस दोहे में परिश्रम के महत्व को बताया गया है। तो अब ये पाठ सिखावन पाठ की से आपको जो शिक्षा मिली, बहुत अच्छी अच्छी शिक्षाएं मिली हैं, तो उस शिक्षा को आपको क्या करना है, अपने जीवन में उतारना है और उस शिक्षा के रास्ते पर ही आपको क्या करना है, चलना है। तो आइए अब हम देख लेते हैं अभ्यास के प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, हमल्ला चाटी ले का सिखावन मिलथे ओरिया के लिखो। कि बच्चों चीटी से, अभी हमने पढ़ा ना दोहे में, उसके आधार पे आपको लिखना है कि चीटी से आपको कौन कौन सी शिक्षा मिलती है, उसको विस्तृत रूप से लिखना है। दूसरा प्रश्न है, पेड़ ला दानी काबर कहेगे हवाई। अर्थात हमने अभी जब दोहे में पढ़ा कि पेड़ कैसा है, दानी है, तो वो क्यों दानी है, इसी के उत्तर को आपको क्या करना है, लिखना है। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न, घाम छाओं के खेल के अर्थ ला बने समझ के लिखो। कि जीवन में घाम क्या है और छाँव क्या है, इसके अर्थ को आपको क्या करना है, अच्छे से समझ करके अपनी कापी में लिखना है। अब देखते हैं हम आज का चौथा प्रश्न, आशा और विश्वास के दिया बारना के भावला लिखो। अभी हम लोगों ने पढ़ा है आशा और विश्वास के चलते दिया बार, है ना, तो उसके भाव को, आशा और विश्वास के पीछे क्या भाव छुपा हुआ है, इसको आप लोग को क्या करना है, लिखना है। तो बच्चों ये जो सिखावन पाठ है बहुत अच्छा पाठ है, आपको बहुत सारी शिक्षा मिली, तो इस शिक्षा को जीवन में उतारना है और इसी के साथ ये पाठ जो है आज समाप्त होता है। धन्यवाद।